नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस्ट्री टेक। गाइज, आज बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम का एक बहुत ही जेन्युइन सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, और वो प्रॉब्लम रिलेटेड है हमारे माउस से। जी हाँ दोस्तों, हम सभी लोग अपने डेस्कटॉप में माउस यूज करते हैं, वायर्ड माउस भी यूज करते हैं और वायरलेस माउस भी यूज करते हैं, और एक अक्सर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि इन माउस में कोई दिक्कत नहीं आती। इनका लेफ्ट क्लिक भी सही वर्क कर रहा होता है, राइट क्लिक भी सही वर्क कर रहा होता है, लेकिन स्क्रॉल व्हील जो होता है वो अक्सर प्रॉब्लम करने लगता है। ठीक है, कई बार हमें काफी सारी वेबसाइट्स पर कुछ डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए अपने स्क्रॉल व्हील की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन जैसे हम स्क्रॉल व्हील को मूव करते हैं तो कभी पेज स्क्रॉल होता है तो कभी नहीं होता है, होता है तो अटक अटक कर होता है। ये सब प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है स्क्रॉल व्हील की वजह से। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। हल्का सा जुगाड़ करेंगे इस माउस को ओपन करके और हमारा स्क्रॉल व्हील जो है वो कंप्लीटली रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की है। तो गाइज, ये रहा हमारा माउस और इसका मैं स्क्रॉल मूव कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी लूज़ यहाँ पर फील हो रहा है कि काफ़ी लूज़ हो गया इसका स्क्रॉल। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको क्लीन कर लेते हैं अपने माउस को, देन शुरुआत करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से माउस क्लीन भी नहीं किया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम ऐसे यूज़ करते जा रहे हैं। तो चलिए, आज मौका मिला है इसको ओपन करने का और थोड़ा सा रिपेयरिंग इसकी करने का, तो चलिए इसको क्लीन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं कॉलिन का यूज़ ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा, जस्ट अगर आप क्लीन करें तो जस्ट इसकी सरफेस पर जाए उतना ही आप यूज़ कीजिएगा। तो चलिए मैं माउस यहाँ पर क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब टाइम है इसको ओपन करने का। स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हम अपने माउस को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। आप अपने माउस के स्क्रू साइज के हिसाब से स्क्रू ड्राइवर यूज ले सकते हैं। अब हम केयरफुली अपने माउस को ओपन कर लेते हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि काफ़ी सारे माउस अलग अलग तरीके के मैन्युफैक्चर होते हैं, तो उनमें अलग अलग तरीके के अंदर पॉइंट्स होते हैं जिनकी मदद से उनको ओपन करना होता है। तो यहाँ पर मैं केयरफुली अपने माउस को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप इसका अंदर का जो हार्डवेयर है आप देख सकते हैं, एक चिप यहाँ पे नजर आ रही है और हम स्क्रॉल व्हील को भी आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, वायर को हम पहले निकाल लेते हैं। ज़्यादातर माउस में आपको वायर के साथ एक कनेक्टर यहाँ पे अटैच्ड मिलेगा जो कि चिप में प्लग इन होगा, तो हम यहाँ पे सबसे पहले सेफ्टी के लिए इस वायर को यहाँ पे इस कनेक्टर से अलग कर देते हैं। ठीक है, बहुत केयरफुली आपको करना है, ऐसा नहीं है कि आप रिपेयर करने के चक्कर में खराब ही कर दें, तो आराम से आप इस कनेक्टर को अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद आप देख सकते हैं इस चिप में ऐसा कोई स्क्रू नहीं लगा हुआ है जिससे ये अटैच्ड हो, तो सिंपल जस्ट हमें अपने माउस से इस चिप को अलग करना है। ठीक है, एक जो मदरबोर्ड है इसको अलग करना है। अलग करने के बाद यहाँ पर माउस में काफ़ी टाइम से ओपन तो किया नहीं है, इनफैक्ट फर्स्ट टाइम ही ओपन कर रहा हूँ मैं इस माउस की प्रॉब्लम को चेकआउट करने के लिए, तो जस्ट थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। और यहाँ पर ये जो बोर्ड है इसमें आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्क्रॉल व्हील है ये भी काफ़ी डस्ट से भरा हुआ है, इसको भी हम क्लीन कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ये स्क्रॉल व्हील एक तरफ से तो जस्ट एक सपोर्टर पे टिका होता है और एक तरफ एक होल होता है जो इस स्क्रॉल व्हील का एक्चुअल वर्क परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने स्क्रॉल व्हील को थोड़ा सा कॉलिन की हेल्प से ही क्लीन कर लेते हैं। चलिए, ये भी क्लीन हो गया है। अब आते हैं अपने इस स्क्रॉल व्हील की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आप देखिए, एक तरफ से तो जस्ट सपोर्टर है और दूसरी तरफ यहाँ पर जिसमें ये हुक इंसर्ट हो रहा है
ये एक्चुअल वर्क परफॉर्म कर रहा है जो कि स्क्रॉल को एनक्रिप्ट करता है और सिस्टम को इनपुट देता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे काफ़ी लूज़ फील हो रहा है जब हम स्क्रॉल मूव करते हैं तो काफ़ी लूज़ फील हो रहा है, तो हम यहाँ पर एक जुगाड़ यूज़ करेंगे। यहाँ पर हल्का सा पेपर आप यहाँ पर कट करेंगे, जैसे आपने देखा होगा जो पुराने पहले मोबाइल्स आते थे तो बैटरी की वजह से वो स्विच ऑफ हो जाते थे तो हम उसमें हल्का सा पेपर काट के लगा देते थे। ऐसे यहाँ पे जस्ट हमें एक सपोर्ट देना है अपने स्क्रॉल व्हील को जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से मूव हो पाए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से फैच हो पाए। तो यहाँ पर इस होल में मैं ये जो पेपर की क्लिप है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको मैं यहाँ पर लगाऊँगा। थोड़ी सी लंबी यहाँ पर कट गई है, थोड़ा सा छोटा मैं कर देता हूँ। ठीक है, छोटा मैंने कर दिया इसको, देन आप इसको छोटा करके थोड़ा सा इसको सर्कुलर शेप में थोड़ा सा मोड़ कर इस होल में जिसमें माउस का एक सिरा इस होल में जा रहा था उसमें आप लगा देंगे, देन ऊपर से आप ये जो आपका स्क्रॉल व्हील था आप इसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो मेन इशू था वो यही था कि स्क्रॉल व्हील आपका लूज़ हो जाता है टाइम के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपका स्क्रॉल व्हील तो मूव होता है लेकिन जिस होल में वो है जो चीज़ उसको मूव कर रही है वो थोड़ी लूज़ हो जाती है। तो अब हमने यहाँ पे पेपर यहाँ पे फिट कर दिया है जिसकी मदद से अब स्क्रॉल व्हील भी प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे थोड़ा सा हार्ड मूव होगा। और यहाँ पे थोड़ी सी डस्टिंग और हम क्लियर कर लेते हैं, देन उसके बाद जस्ट इसको वापस से पैक कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये नीचे एलईडी के लिए मैंने यहाँ पे कवर लगा दिया है, देन वापस से इसको प्लेस कर दिया है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टास्क था वो परफॉर्म हो गया है, टास्क हो गया है। जस्ट आप ये पेपर लगाएंगे तो आप उसके बाद देखेंगे कि आपका जो माउस व्हील है वो प्रॉपर तरीके से स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, पहले बहुत लूज़ हो रहा था लेकिन अब प्रॉपर स्क्रॉल हो रहा है। तो यहाँ पे चलिए अब मैं वायर का जो कनेक्टर है वो भी फिक्स कर देता हूँ, देन वायर लगा के हम माउस को वापस से पैक कर देते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है स्क्रॉल व्हील में। चलिए मैं इसका स्क्रू कस देता हूँ, देन आपको डेमो दिखाता हूँ। तो गाइस, माउस हमारा रिपेयर हो चुका है। मैंने आपको एक छोटे से कागज के टुकड़े से जो जुगाड़ यहाँ पे करके बताया उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्क्रीन पे। और जस्ट मैं इसको मूव कर रहा हूँ, आप देखिए नीचे मूव कर रहा हूँ तो नीचे मूव हो रहा है, ऊपर मूव कर रहा हूं तो ऊपर मूव हो रहा है। इतना इफेक्टिव जुगाड़ मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आई होप कि आपको भी इस ट्रिक की जरूरत होगी अगर आपका माउस थोड़ा सा पुराना हो गया है और आप जस्ट यही ढूंढ रहे थे कि यार क्या करें, जरा सी चीज के लिए मैं नया माउस खरीदना पड़ेगा, तो इस वीडियो को ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।